दहशत में गांव, वो आता है दबे पांव। तीन दिन तीन शिकार उदयपुर में हाहाकार। आदमखोर का खूनी खेल पकड़ने में वन विभाग की टीम फेल। देखिए कुछ और भी जगह मिली है। ये राजस्थान के उदयपुर का गोगुंदा गांव है, जहां एक आदमखोर बीते कई दिनों से खूनी खेल खेल रहा है और बीते दिन तीन लोगों की जान ले चुका है। अपने मवेशी के लिए घास लेने के जाने के लिए बहुत परेशानी है, तो मगिया में घुस कर रहे तो वही हमला कर मार डालता है। गांव वालों में दहशत का माहौल है, क्योंकि वन विभाग की टीम अपने हाईटेक उपकरणों के जरिए तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाई है। उधर गांव वालों का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि इंसानी खून मुंह में लगने के बाद एक आदमखोर और ज्यादा खूंखार हो चुका है। हमें आश्वासन भी है कि सरकार गरीबों का साथ देगी, और नहीं देगी तो हम उसके जनता के साथ में, उन परिवार के साथ में हम खड़े हैं। जिन लोगों को शिकार बनाया, वो इलाका 4 किलोमीटर में आता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम ने 5 पिंजरे लगाए हैं। इसके साथ ही वन विभाग नाइट विजन वाले ड्रोन के जरिए भी लोकेशन पता करने में लगा है, लेकिन उसे अभी तक सही लोकेशन नहीं मिल पाई। जहाँ तक पैंथर पकड़ने की बात है, हमारी टीम, हमने पिंजरे लगा रखे हैं 5, और उसके अंदर हमें आशा है कि जल्दी जो है उस पकड़ा जाएगा। लगभग 8 से 10 टीमें हैं, पूरे 3 जिलों की टीमें यहाँ पे, रेंजर्स सभी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी टीमें काम कर रही हैं, और अभी एक केज उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लगवाएंगे और ड्रोन से भी उस लोकेशन का वॉच हम करेंगे। वन विभाग की टीम पर चौतरफा दबाव है, क्योंकि जितनी भी डेडलाइन दी गई वो सब खत्म हो चुकी है और अब जिम्मेदारी सेना के कंधों पर आ गई है। उधर गांव वाले ग्रुप बनाकर अपने मोर्चे पर तलाश कर रहे हैं। दरअसल मई से लेकर अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है, घायलों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जंगली जानवर जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? कहीं इसका कारण बारिश तो नहीं, क्योंकि इस बार औसत से ज्यादा बारिश हुई है। वैसे जिस तरह की दहशत उदयपुर में है, ठीक उसी तरह का आतंक यूपी के बहराइच में भेड़ियों को लेकर भी दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।